कर लेंगे बैठे एक मिनट, एक फोटो हो जाए एक मिनट, अभी आईडी लगा रहे हैं यार। हेलो सर, पीछे अरे पीछे बोल दूसरे चरण की वोटिंग में बरेली की 9 विधानसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है। 2017 में ये सभी 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बरेली के 8 बार सांसद रह चुके वर्तमान आज जो मतदान किया है आज इसके ऊपर जी, अभी हमने मतदान किया है और वास्तव में लोकतंत्रीय व्यवस्था में मतदान एक आवश्यक हिस्सा है। सभी को मतदान में भाग लेना चाहिए, वंचित नहीं रहना चाहिए और लोकतंत्रीय व्यवस्था को मजबूत कराने के लिए एक आवश्यक हिस्सा है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमारी बरेली से जुड़ा 9 विधानसभा सीटें निकल के आ रही है, क्या कहेंगे? हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। पिछली बार भी समाजवादी पार्टी थी पर अब इस बार हमारे पक्ष में माहौल और ज़्यादा अच्छा है। लोग फिर से योगी जी की सरकार को देखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, इसलिए हमारा मानना है कि फिर से सारी सीटें जीतेंगे और बहुमत का अंतर और बढ़ जाएगा। तो कह रहा है कि हिंदुत्व को लेकर हिंदुत्व का नारा लगा के जो गुमराह कर रही है पब्लिक के लिए, इस तरह का नहीं, तो विकास मुख्य मुद्दा है और लोगों का मानना है कि जिस ढंग से अमन चैन उत्तर प्रदेश में रहा है ये केवल योगी जी के कारण ही संभव हो पाया, इसको अच्छी दिशा में मिलेगा। यही सारे मुद्दे हैं कि एक एक स्थायित्व रहे उत्तर प्रदेश में, सही ढंग से उत्तर प्रदेश की सरकार चले और काम करे। मुझे मानना है कि उत्तर प्रदेश के मतदाता इस पर भरोसा और विश्वास कर रहे हैं। क्या नाम है आप? कैसे वोट करने आए हैं? जी बोले कि हम अपना वोट जरूर डालेंगे, हमारा वोट खराब चला जाएगा। क्या दिक्कत है इनको? इनको पैरालिसिस हो गया था, अब सही है। वैसे अभी कमजोरी आ गई थी, कमजोरी बहुत है, अभी सांस फूलने लगी थी। आप लोगों ने कहा था कि मतदान ना करो, घर में कर दो, क्या कहा था इन्होंने? हाँ, बोले वोट डालने जरूर जाएंगे इनके पापा, ये हमारे पिताजी करते थे तो ये भी आए। क्या नाम है आपका? उषा दीक्षित। कहाँ रहते? गुलाब नगर।